10 साल चीफ मिनिस्टर रहा। सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी डिस्ट्रिक्ट का भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया तो झज्जर का किया, जो 75 पार को कहते थे यमुना पार करेंगे, मैं उनको हरियाणा पार करवाऊंगा। मेरी यात्रा का मकसद ऐसे लोगों से प्रदेश का छुटकारा दिलाना है। मैं तब तक इस यात्रा को जारी रखूंगा जब तक भाजपा और जसपा दोनों इस प्रदेश की सत्ता से बाहर ना जाएं। समझ में नहीं आती कि आप इसको कहते हुड्डा साहब का गढ़ है। हरियाणा चौधरी देवीलाल का बनाया हुआ प्रदेश है और जिस जगह पे आप बैठे हो यहां ऐसे हालात थे कि कोई कांग्रेस का नाम लेता था तो लोग कहते थे गाली दे रहे हैं। ये चौधरी देवीलाल की भूमि है। यहाँ ऐसे ऐसे गांव हैं जिनमें दूसरी पार्टी को कहीं 2 वोट, कहीं 5 वोट, कहीं 3 वोट मिला करते थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इनके साथ छल कपट किया, उन्होंने चौधर का नारा दिया और उस नारे में लोगों को कहीं बरगला लिया। लोगों ने वोट दे दिए, चुनाव जीत गए, लेकिन 10 साल चीफ मिनिस्टर रहा। सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी डिस्ट्रिक्ट का भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया तो झज्जर का किया। आज की तारीख में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय जनता पार्टी के साथ पूर्ण रूप से मिला हुआ है। आपने आज के वीडियोज नहीं देखे कैसे मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री के साथ जफियां डाल के मिल रहा था। राहुल गांधी से भी नहीं मिलता ऐसे तो, जैसे मोदी से मिल रहा था आज। है ये तो मान के चलो कि इसने जिस किस्म का जहर घोला है उसका खामियाजा इसको खुद को भुगतना पड़ेगा। आप जिस क्षेत्र में आए हैं बागली में, वहाँ के एक बेटी है जिसको अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है, मंत्री संदीप सिंह का मामला है। मैंने सबसे पहले उसका इशू उठाया था जब वो सारी जगह जाकर के आई मेरे से मिलने से पहले, तो उसको किसी ने भी एक भी राजनीतिक आदमी ने रिस्पॉन्स नहीं किया। उसको सबने किसी ना किसी बहाने से उसको टालने की कोशिश की। तो यात्रा को बंद कर देना चाहिए, क्या कहेंगे? मेरी बड़ी चिंता है उनको। लेट चिंता शुरू हुई है। मैं इस बात के लिए भाई का धन्यवाद करता हूँ कि तू मेरी चिंता करने लग गया, लेकिन मैंने यात्रा इसलिए शुरू करी है कि जिन लोगों ने चौधरी देवीलाल की नीतियों को गिरवी रख दिया भाजपा की, जो 75 पार को कहते थे यमुना पार करेंगे, मैं उनको हरियाणा पार करवाऊंगा। मेरी यात्रा का मकसद ऐसे लोगों से प्रदेश का छुटकारा दिलाना है। मैं तब तक इस यात्रा को जारी रखूंगा जब तक भाजपा और जसपा दोनों इस प्रदेश की सत्ता से बाहर नहीं हो जाए। जब आपकी यात्रा समापन होगा तो क्या लगता है, कहीं बदलाव या कोई और? बदलाव नहीं, तूफान आएगा। बदलाव तो आज है, फिर तो तूफान होगा।